जैसलमेर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मरू महोत्सव का आगाज हो चुका है। 17 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले मरु उत्सव की पूर्व संध्या सोनार दुर्ग स्थित प्राचीन श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। शहीदों के नाम आयोजित हुए हेरिटेज वॉक में दुर्ग स्थित दशहरा चौक पर मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद ही हेरिटेज वॉक का आयोजन हुआ। पहली बार आयोजित की गई इस हेरिटेज वॉक में राजस्थान की लोक संस्कृतियां की झलकियां पेश की गई। इस मौके पर लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा, उपखंड अधिकारी विकास राजपुरोहित समेत कई गणमान्य लोगों ने पूजा की। लोक कलाकारों ने ढोल नगाड़े बजाकर कार्यक्रम में शामिल लोगों को सत्कार किया। यह हेरिटेज वॉक सोनार दुर्ग, दशहरा चौक, गोपा चौक, जिंदानी चौक, प्राचीन नथमल हवेली और पटवा हवेली होते हुए पवित्र गड़ीसर सरोवर तक पहुंची। इस हेरिटेज वॉक में जैसलमेर के नागरिक पारंपरिक लोक परिधान में शामिल हुए और हेरिटेज वॉक की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में पहुंचे नामी गिरामी कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों से सभी का दिल जीत लिया। शहर के लोगों ने भी हेरिटेज वॉक पर फूलों की बारिश कर अभिनंदन किया। मरु महोत्सव की पूर्व संध्या में जैसलमेर के प्राचीन पेयजल का स्रोत गड़ीसर सरोवर पर भव्य दीपदान का आयोजन किया गया। देशी विदेशी सैलानी भी इस हेरिटेज वॉक का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।